नमस्कार, मैं हूँ मेघना चौधरी। कामयाबी की कहानियाँ तो आपने खूब सुनी होंगी, पर क्या कभी इन्हें करीब से देखा है? ख्वाहिश क्या कभी इससे बात की है? क्या कभी आपने अपने सपनों को कहा है कि तुम्हारे पंख क्यों नहीं बड़े होते? नहीं कहा होगा, लेकिन है कुछ कहानियाँ जो ऐसी ही बातें करती हैं। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के सफर में हम फिर हाजिर हैं कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर जो कामयाबी की बातें करती हैं। ये कहानियां उनकी हैं जिन्होंने संघर्ष किया और कामयाबी हासिल की। इनकी कहानी से आपको भी मिल सकती है प्रेरणा, आप भी बन सकते हैं एक सफल एजेंट LIC के साथ जुड़ करके। LIC आपको मौका देता है अपना जीवन संवारने का। इसके लिए ना तो किसी बड़ी डिग्री की आवश्यकता है, ना ही किसी बड़ी पूंजी की। अगर आप 12वीं पास हैं और 18 साल की उम्र के हैं तो आप भी आ सकते हैं और LIC में अपना करियर बना सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 का सफर पहुंचा है आज कानपुर। कानपुर जिसे औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। यहाँ के लोग जितने मेहनती होते हैं उतना ही व्यापार और व्यवहार को गुड़ से भी मीठा माना जाता है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी ऐसी ही शख्सियत से। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे 32 सालों का सफर LIC के साथ में कैसा रहा? अभी तक का सफर मेरा बहुत अच्छा रहा है। मैंने 85 में LIC एज एजेंट ज्वाइन किया था, उसके बाद 90 में डेवलपमेंट ऑफिसर बन के कानपुर आया। एक दिन था कि मैं यहाँ पर शहर में किसी को नहीं जानता था और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं शहर में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। पूरा शहर आपको जानता है? पूरा शहर मेरे को जानता है जी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अंडर कितने एजेंट्स काम कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल? 170 एजेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें से आपने दो एजेंट्स चुने हैं, एक रूरल एरिया से एक अर्बन एरिया से, उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें? उसमें एक है हमारे किशन सिंह चौहान और दूसरे अक्षय जैन जी। एक्चुअली अक्षय जैन जो है वो सिटी में काम करते हैं और हमारे किशन सिंह चौहान गांव में काम करते हैं। वो नंबर ऑफ पॉलिसी पे काम करते हैं, ये प्रीमियम बेस पे काम करते हैं। उनकी सफलता के बारे में आप क्या कहेंगे? सफलता के बारे में मैं किशन सिंह के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत जुनून के साथ काम करता है। अक्षय जैन बहुत ही अच्छा जो है प्रीमियम बेस पे काम करते हैं। एक एजेंट और डीओ के बीच में क्या रिश्ता होता है? एक तो विश्वास का रिश्ता ही है, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे विश्वास नहीं करेंगे, कहीं पर हमें पिता की भूमिका निभानी होती है, कहीं पर हमें जो है अपने गुरु की निभानी होती है। अलग अलग रोल है हमारे, हम ये नहीं कह सकते केवल एक ही रोल, हमारे बहुत सारे रोल हैं। सर, आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो आप एजेंट्स को किस तरह से गाइड करते हैं? 25 एजेंट्स का एक हमने ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी हम एवरी मंथ में 4th को मीटिंग करते हैं जी। MBRT ग्रुप है, क्योंकि मेरा ड्रीम है कि मैंने लास्ट ईयर 17 MBRT किए हैं, इस बार मेरा ड्रीम है कि ये 25 हों। 32 सालों से आपका LIC के साथ जुड़ाव है, तो आप LIC के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज जो भी मैं हूँ सिर्फ LIC की वजह से हूँ, क्योंकि LIC ने मेरे को नाम, फेम, धन सब कुछ LIC ने दिया है। हमारी जो युवा जनरेशन जो आ रही है उसके लिए कोई मैसेज कि वो LIC एजेंट बन सकते हैं? देखिए, LIC एजेंट एक डॉक्टर इंजीनियर सबसे अच्छा है। एक डॉक्टर उसके पास टाइम नहीं है, हमारे एजेंट के पास बहुत सारा टाइम है, अपना टाइम है, अपना बॉस है, जब जा सकता है कहीं भी आ सकता है, इससे ज़्यादा फ्री कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक पैसे की बात है, कितने भी पैसे कमा सकता, अनलिमिटेड ईमानदारी के साथ। गंगवार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और अब हम मिलना चाहेंगे आपके जो रत्न हैं LIC के, उनसे करते हैं उनसे खास मुलाकात। आइए। अक्षय जैन अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जिससे उनके पिता का नाम ऊंचा हो। आपकी माताजी साल 1981 में LIC के साथ जुड़ी थी, उन्होंने आपको भी LIC के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया और आपकी मुलाकात LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत सुभाष गंगवार से कराई। साल 1998 में आप LIC के साथ जुड़ गए, लोग आपसे प्रभावित होने लगे, आपकी कमाई में भी काफी बढ़ोतरी हुई। यहीं से आपकी जिंदगी ने करवट ली और आपकी पत्नी दीपिका जैन भी साल 2009 में LIC के साथ जुड़ गई। आज आपको LIC के साथ जुड़े हुए 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अक्षय जी, आपका स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। थैंक यू मैम।
अक्षय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि LIC के साथ आपको जुड़े हुए कितने साल हो गए और अभी तक का सफर कैसा रहा? मैं मुझे इस काम को करते हुए 1998 में मैंने काम चालू किया था, ये आज मुझे लगभग 18 साल होने वाले हैं इस काम को, और आज इस मुकाम पे जो मैं पहुंचा हूं उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे विकास अधिकारी श्री सुभाष गंगवार जी का है। तो आपकी कोई किस्सा, कोई कहानी, आप कैसे जुड़े गंगवार जी के साथ? मेरे फादर ने मेरी मदर के नाम से एजेंसी ले रखी थी, मेरी मदर ऑलरेडी LIC के एजेंट थी, उन्होंने मुझे पहले प्रेरित किया LIC के काम करने के लिए, और जब मैं एजेंसी लेने गया भाई साहब के अंडर में, श्री गंगवार साहब के अंडर में, तो जब मैं फील्ड में जाता था मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था इस काम में, क्योंकि मुझे कुछ और करने की इच्छा थी। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था और खूब पैसा कमाना मेरी इच्छा थी, बहुत खूब ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो जब मैं कभी किसी क्लाइंट के पास जाता तो मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता मुझे, क्योंकि मुझे काम नहीं मिलता था। तो मैंने फिर आके अपनी बात भाई साहब को बताई, श्री गंगवार जी को मैंने अपनी बात बताई कि भाई साहब मेरा ऐसी दिक्कत हो रही है, हमको मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो उनका ठीक, कोई बात नहीं अक्षय, तुम मेरे साथ चलना, मुझे अपने साथ अपने क्लाइंट्स के यहाँ ले चलो, मैं बात करता हूँ, अगर नहीं हुआ तुम काम छोड़ देना, फिर तुम्हें जो करना हो वो करना। मैं कॉल राइट सर, ठीक है सर। फिर वो मेरे साथ मेरे क्लाइंट्स के यहाँ गए और नो डाउट फर्स्ट मीटिंग में मुझे सफलता हाथ मिली। आज वो दिन है और आज का दिन है, मेरे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता चला गया और आज मैं सफलताओं के पायदान चढ़ता चला गया। आज उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँचा। आपने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में काफ़ी कुछ बयां किया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे जो हमारी युवा पीढ़ी है, यंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में आना चाहती है, इस प्रोफेशन को अपनाना चाहती है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो भले डॉक्टर बन जाए या कहीं पर सर्विस करें, कहीं सर्विस करते हैं तो उनको एक लिमिटेड इनकम है उनके लिए, यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है। कुछ LIC के बारे में बयां करना चाहेंगे? LIC आज हमारे ग्राहकों की संतुष्टि का ब्रांड है। आज LIC अपने आप में ग्राहक इसके प्रति संतुष्ट है, उनको पूरा विश्वास है इसके लिए, मुझे गर्व है कि मैं आज LIC की संस्था से जुड़ा हूँ। आपका अपना सफलता का मंत्र, सक्सेस मंत्र क्या है? जिसके पास गुरु नहीं उसकी करियर की शुरुआत है। अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली पॉलिसी कौन सी है? हालांकि LIC की सारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बट डिपेंड करता है क्लाइंट की नीड के ऊपर, क्लाइंट को किस तरह की नीड है, वो फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर रहा है। LIC के पास हर नीड का एक प्लान अवेलेबल है, बट मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पेंशन प्लान, जो कि आज की तारीख में सबकी नीड है, पेंशन प्लान सबके पास होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जैन जी हमसे मुलाकात करने के लिए, LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हमने मुलाकात करी अक्षय जैन से, जो कि LIC के सफल एजेंट है। अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने सीमाओं से बाहर जाकर समस्याओं का समाधान ढूंढा। किशन सिंह चौहान बचपन में ही इस बात को समझ गए थे कि उनके लिए सफलता दूर नहीं है। उनका मकसद लोगों की भलाई करके खुद को संतुष्ट करने का था। चिंता और काफी सोच विचार करने के बाद आप साल 1999 में LIC के साथ जुड़ गए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना शुरू किया। आपने लोगों को जोखिम मुक्त जीवन के बारे में जागरूक किया और काफी तारीफ बटोरी। आपको LIC के साथ आगे बढ़ना था तो परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी थी। आपने धैर्य नहीं खोया और अपना काम करते चले गए। आज आपको LIC के साथ जुड़े हुए 17 से ज्यादा साल हो चुके हैं। किशन जी, आपका स्वागत है LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। आपको LIC के साथ जुड़े हुए 17 साल हो चुके, 17 साल में आपका सफर LIC के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया, और बीच में संघर्ष भी रहे मैम काफी हद तक। और मैं जब 18 ईयर्स का था तब मैंने LIC का करियर अपना शुरू किया, जिसमें से मेरे विकास अधिकारी का बहुत बड़ा सहयोग है। तो आपके करियर की शुरू 18 साल की उम्र में हो गई थी, जो हमने सुना है। तो 18 साल की उम्र से लेकर के अब तक कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? 30 सितंबर 2015 तक का कंपटीशन आया था, और हमारे मन में एक ऐसा आया, हमारे विकास अधिकारी साहब ने कहा कि किसान तुम ऐसा कर सकते हो, प्रयास करो, और उसी दिन से हम लगे और हमने पूरा वो टारगेट क्वालिफाई किया और दुबई घूम के आए, LIC ने हमको दुबई घुमाया। ग्रामीण क्षेत्र में आपको पॉलिसी करने में क्या कठिनाई आती है? कठिनाई मैम क्या कि थोड़ा सा वहाँ लोग एक तो पढ़े लिखे उतना नहीं है जितना होना चाहिए समाज में, उस हिसाब से हम लोग बीमा थोड़ा सा कठिन होता है। बाकी प्रेजेंट टाइम में तो हम नहीं कहेंगे कठिन है, चूँकि इस समय पर तो हर जगह शिक्षा का विकास हो रहा है और काफ़ी आसानी से हम लोग बीमा बेच रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में पसंद की जाती है? मनी बैक प्लान है, और ग्रामीण क्षेत्र में मनी बैक प्लान की काफ़ी डिमांड्स होती है। तो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, तो उसके लिए आपको संदेश देना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आ सकते हैं? बहुत बड़ा करियर है LIC में, क्योंकि मैं तो पूरा मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और आज LIC के बहुत ही अच्छे मुकाम में हूँ। मैं फ्री भी रहता हूँ,
अपनी दिनचर्या में खुद निश्चित करता हूँ मुझे कितने घंटे वर्क करना है। मैं तो ये नव युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि LIC एजेंट का करियर बहुत ही अच्छा है, आने वाला समय भी इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत बढ़िया है, खासतौर से LIC का हमारी, और इसमें करियर बनाना चाहिए। किशन जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी सफलता का राज। सफलता का राज मैं अपने विकासकारी श्री सुभाष गंगवार जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका गाइडलाइन मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, पहचान हो समाज में, हर चीज। किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 के कानपुर के सफर में हमने आपकी मुलाकात कराई डेवलपमेंट ऑफिसर सुभाष गंगवार से, साथ ही हमने आपकी मुलाकात कराई सफल एजेंट्स अक्षय जैन और किशन सिंह चौहान से। आप भी बन सकते हैं LIC एजेंट। इसके लिए आपको जाना होगा नजदीकी LIC ब्रांच में और वहां मिल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर से, जो आपको राय दे सकते हैं और आप बन सकते हैं LIC एजेंट।